योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर है मुख्यमंत्री। सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करेंगे पूजा अर्चना। टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। गोलघर स्थित गांधी आश्रम के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साप्ताहिक पुण्यतिथि समापन समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि के समापन कार्यक्रम। मंदिर स्थित दिग्विजय भवन में चल रहा है कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है मुख्यमंत्री। सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करेंगे पूजा अर्चना। टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। गोलघर स्थित गांधी आश्रम में के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साप्ताहिक पुण्यतिथि समापन समारोह में सम्मिलित होंगे। संवाददाता विकास शाही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, किस प्रकार से वो आज गांधी जी को नमन करेंगे? जी दिशा जी, आपको बता दें कि तीन दिवसीय दौरे पर देर शाम कल सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पहुंच चुके थे और सी रात्रि विश्राम उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में किया है। आज सुबह मंदिर में सुबह पूजा अर्चना करेंगे और अपने जो विधि विधान की पूजा होती है उसको करेंगे। उसके बाद वो 9 बजे के करीब जो गांधी जी की जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित उनकी मूर्ति पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और बगल में ही शास्त्री चौक जो है वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो बगल में ही गोलघर है वहाँ पर गांधी आश्रम में भी उनके कार्यक्रम हैं। उसके बाद सीएम वापस मंदिर में आएंगे और जो साप्ताहिक महंत दिव्यनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आज जो है वो महंत दिव्यनाथ की पुण्यतिथि समापन समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। जी विकास, हर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन हमेशा से ही खादी आश्रमों में विशेष तरीके से गांधी जयंती मनाया जाता है या फिर कुछ यूँ कह ले गांधी जी को नमन किया जाता है, उस प्रकार से क्या कुछ इस बार क्या कुछ खास रहेगा? जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पे हमेशा ही कुछ खास होता है। इस बार सीएम इसलिए वो गोरखपुर में आते हैं और हमेशा टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके विचारों को लोगों को बताते हैं और उन्हें अनुग्रहित करने की बात कहते हैं। साथ साथ बगल में ही गांधी आश्रम है वहाँ पर सीएम योगी जाएंगे और एक तरह से गांधी जी को श्रद्धांजलि के साथ लोगों को गांधी आश्रम में जो वस्त्र हैं या उनकी जागरूक करेंगे कि स्वदेशी अपनाएं, इसके लिए भी सीएम योगी एक मंत्र दे सकते हैं। तो आज विभिन्न कार्यक्रमों में गांधी जयंती जी के अवसर पे वो पहुंचेंगे और बगल में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। जी विकास, मंदिर में किस प्रकार से आज कार्यक्रम है जो एक सप्ताह से चल रहा है? जी आपको बता दें, मंदिर में लगातार आज छठवां दिन है, एक सप्ताह का महंत दिग्विनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समापन समारोह मनाया जाता है जो साप्ताहिक चलता है। विभिन्न जो कथावाचक शाम को कथा सुनाते हैं और विभिन्न स्तर पे विभिन्न विषयों पे गोष्ठी होती है और आज जो है सबसे पहले यानी छठवें दिन महंत दिव्यनाथ की पुण्यतिथि की समापन समारोह इसमें श्री योगी शिरकत करेंगे और कल जो है वो अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि समापन समारोह है। तो कल इस कार्यक्रम का समापन होगा लेकिन आज जो है महंत दिव्यनाथ की जो पुण्यतिथि समापन समारोह कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे, वहाँ लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास। गांधी जयंती पर राजधानी में आयोजित होंगे कार्यक्रम।